नमस्कार दोस्तों, अपने भारत देश को स्वतंत्रता दिलाने में अनेक क्रांतिकारकों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। भारत देश के लोग अंग्रेजों की गुलामी करते थे, उनसे छुटकारा पाने के लिए, उस गुलामी से बाहर आने के लिए अपने भारत देश के बहुत सारे क्रांतिकारकों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, बहुत बड़ा योगदान दिया है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बहुत सारे क्रांतिकारक हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बहुत बड़ा योगदान दिया है उन्होंने। देखिए, उन क्रांतिकारकों में से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या योगदान दिया है, उसके बारे में आज का जो हमारा पद्य है, खूनी हस्ताक्षर, खूनी हस्ताक्षर, गोपाल प्रसाद व्यास जी ने लिखा हुआ पद्य खूनी हस्ताक्षर, इस पद्य के माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने भारत देश को स्वतंत्रता दिलाने में किस प्रकार योगदान दिया है, उसके बारे में जानकारी इस पद्य में दी गई है। तो चलो, हम क्या करते हैं, अभी इस पद्य को देखते हैं। अपने अपनी किताबें निकालिए, पहले मैं इस पद्य को पढ़ता हूँ। मेरे पढ़ते समय आप सभी की नजर कहाँ होनी चाहिए, किताब में होनी चाहिए, बराबर। देखो, उस दिन लोगों ने सही सही खू की कीमत पहचानी थी। उस दिन लोगों ने सही सही खू की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर, बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा। तुम बहुत जीत चुके हो जग में, लेकिन आगे मरना होगा, लेकिन आगे मरना होगा। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया। मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा, दम की उनकी रक्तिम काया। अजान बाहु ऊंची करके, अजान बाहु ऊंची करके वे बोले रक्त मुझे देना, अजान बाहु ऊंची करके वे बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हम देंगे देंगे खून, शब्द बस यही सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष इस तरह नहीं, बोले सुभाष इस तरह नहीं, बातों से मतलब सकता है। बोले सुभाष इस तरह नहीं, बातों से मतलब सकता है। लो यह कागज है, कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है, कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। सारी जनता हुंकार उठी, सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं माता के चरणों में, यह लो हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। साहस से बड़े युवक उस दिन, साहस से बड़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही जाते थे, चाकू छुरी कटारियों से अपना रक्त गिराते थे, चाकू छुरी कटारियों से अपना रक्त गिराते थे। फिर उसी रक्त की स्याही में, फिर उसी रक्त की स्याही में वे अपने कलम डुबोते थे, आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे, हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा था रणवीरों ने खुद से अपना इतिहास नया, अपना इतिहास नया। देखिए, बर्मा स्थान पर, कौन से स्थान पर, बर्मा स्थान पर एक सभा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लोगों को किस प्रकार ऐलान किया था, किस प्रकार की घोषणा की थी अपने भारत देश को स्वतंत्रता दिलाने के हेतु, अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करने के हेतु एक सभा का आयोजन किया था, और उस सभा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस लोगों को क्या बोल रहे थे, किस प्रकार बोल रहे थे, उसके बारे में यहां पर बताया गया है।
इस पद्य में यह बताया गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया है, लोगों का ऐलान किया है, घोषणा की है। क्या घोषणा की है कि अब तक आप बहुत जिए हैं, अब क्या करो, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करो, अपने अंदर देश प्रेम निर्माण करते हुए अपने मातृभूमि के लिए बलिदान देने की तैयारी रखो। आप मुझे खून दो, मैं तुम्हें क्या दे दूंगा, आजादी दूंगा, मैं तुम्हें क्या दूंगा, आजादी दूंगा। इस घोषणा से उस समय वहां पर जो खड़े युवक भाषण को सुन रहे थे, उन्होंने क्या किया है, वे आगे बढ़े हैं और उनके मुंह से शब्द निकलने लगे कि हाँ हाँ, हम अपना बलिदान देने के लिए तैयार है, हम अपना खून देने के लिए तैयार है। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोले हैं कि नहीं, इस समस्या का हल सिर्फ आप बोलने से नहीं निकलेगा, आपको क्या करना होगा, ये कागज यहां पर रखा है मैंने, इस कागज पर आपको क्या करना होगा, आपका हस्ताक्षर करना होगा कि कितने लोग मेरे साथ हैं अपने भारत देश को स्वतंत्रता दिलाने में, कितने लोग मेरे साथ खड़े होना चाहते हैं, वह मैं देखना चाहता हूं। इस उस वक्त लोगों ने क्या किया था, छुरी कटियारी से क्या किया था, अपने हाथ से खून निकाला था और उस खून में, उस खून की स्याही बनाई लोगों ने और अपनी कलम उसमें डुबोकर उस कागज पर क्या किया है, लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं और अंग्रेज सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। देखिए, उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी। उस दिन मतलब कब, जब लोग हस्ताक्षर कर रहे थे तब। देखो, उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। देखो, बर्मा यानी म्यांमार, कौन सा प्रदेश, म्यांमार। देखो, उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी। खू यानी खून, खू यानी क्या, खून, खून, कुर्बानी यानी बलिदान। देखो, उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। जिस दिन सुभाष चंद्र बोस ने लोगों से कुर्बानी मांगी थी, बलिदान देने को कहा था कि अपने भारत देश के लिए अब बलिदान देने के लिए तैयार हो जाओ। देखो, उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, खून की कीमत पहचानी थी। कब, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस बर्मा स्थान पर क्या कर रहे थे, भाषण दे रहे थे और लोगों से बोल रहे थे कि अब आप क्या करो, अपना बलिदान देने के लिए तैयार हो जाओ। देखो, उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले, स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, अपने भारत देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, बलिदान देना होगा। अब तक आप बहुत जिए हैं, अब आपको क्या करना होगा, अपने भारत देश के लिए बलिदान देना होगा। क्या देना होगा, बलिदान देना होगा। देखो, बोले, स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके हो जग में, अब बहुत जिए हैं, अब बारी कौन सी आई है, बलिदान देने की बारी आई है। किसके लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने भारत देश के लिए। अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना होगा, बलिदान देना होगा। क्या करना होगा, बलिदान देना होगा। देखो, बोले, स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके हो जग में, लेकिन आगे मरना होगा, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, अब बलिदान देने के लिए तैयार हो जाओ, अपने भारत देश को गुलामी से मुक्त करने के लिए तैयार हो जाओ। अगर आप बलिदान देने के लिए तैयार हो जाओगे, तब क्या हो जाएगा, अपना भारत देश स्वतंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, आजाद हो जाएगा, गुलामी से मुक्त हो जाएगा। देखिए, यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया। देखो, वक्ता नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब वे ऐसा बोल रहे थे, तब उनकी आंखों में खून दिखाई दे रहा था, मतलब उनकी आंखें लाल दिखाई दे रही थी,
खून से भरी हुई नजर आ रही थी। देखो, यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा। देखो उनका मुख कैसा हो गया है, लाल रंग का हो गया, रक्त वर्ण यानी लाल रंग जैसा, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा, दमकी उनकी रक्तिम काया, उनका पूरा शरीर लाल रंग जैसा दिखाई दे रहा था। जब वे लोगों को ऐलान कर रहे थे, जब वे लोगों को संबोधित कर रहे थे, भाषण कर रहे थे, देखो उनके मन में अपने भारत देश के प्रति कितना प्यार था और हमारे मन में कितना प्यार है। जरा सोच कर देखो कि हमें भी हमारे भारत देश के लिए कुछ करना चाहिए। उन लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, हमें बलिदान नहीं देना है, लेकिन कुछ तो हम अपने देश के लिए जरूर कर सकते हैं। देखो आगे, यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा, दमकी उनकी रक्तिम काया, उनका पूरा शरीर लाल लाल दिखाई दे रहा था। रक्तिम काया यानी उनका शरीर लाल दिखाई दे रहा था, लाल रंग जैसा दिखाई दे रहा था। ऊंची करके वे बोले, रक्त मुझे देना, इसके बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। आजानो बाहु, उनकी जो बाहु मतलब उनके जो हाथ थे, वे हाथ उन्होंने क्या किए हैं, ऊपर किए हैं, ऊपर किया है, और वे क्या बोल रहे हैं कि आप क्या करो, आप मुझे खून दो, उसके बदले में मैं आपको क्या दे दूंगा, आजादी दे दूंगा, क्या दे दूंगा, आजादी दे दूंगा। देखो आजाद बाबू घुटनों तक लंबी भुजाएं उन्होंने क्या किए हैं, ऊपर किए हैं, और वे बोलने लगे हैं, आजाद बाबू ऊंची करके वे बोले, रक्त मुझे देना, आप मुझे क्या दे दो, रक्त दे दो, रक्त मुझे देना, इसके बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। अगर आप रक्त देने के लिए तैयार हैं, अगर आप आपका खून बलिदान देने के लिए तैयार हैं, तो जरूर आपको क्या मिलने वाली है, आजादी मिलने वाली है, स्वतंत्रता मिलने वाली है। देखो सुभाष चंद्र बोस ने भाषण में ऐसा बोलने के बाद, अब वो भाषण सुनने के लिए जो भी युवक वहां पर खड़े थे उनकी प्रतिक्रिया क्या है, देखो हम देंगे खून, शब्द बस यही सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा बोलने के बाद कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें उसके बदले में क्या दे दूंगा, आजादी दे दूंगा, उससे आजादी ले लो, ऐसा बोलने के बाद लोगों ने तुरंत अपने हाथ ऊपर किए हैं कि हाँ, हम खून देने के लिए तैयार है, हम अपने मातृभूमि के लिए खून देने के लिए तैयार है, उसे आजादी दिलाने के लिए तैयार है। लोग बोल रहे थे हम देंगे खून, शब्द बस यही सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देखकर सारे जो युवक थे वे अब तैयार हो गए हैं। किसके लिए तैयार हो गए हैं, किसके लिए, भारत की आजादी के लिए, मतलब अपना बलिदान देने के लिए, अपना खून देने के लिए वे तैयार हुए हैं। आगे देखो, हम देंगे खून, शब्द बस यही सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। अब आगे क्या हुआ है देखो, बोले सुभाष इस तरह नहीं, बातों से मतलब नहीं सकता, मतलब आप ये जो बोल रहे हैं कि हाँ हम खून देने के लिए तैयार है, हम खून देने के लिए तैयार है, सिर्फ इतनी सी बात से काम नहीं चलेगा, इतनी सी बात से काम नहीं होने वाला है, यह हल नहीं निकलेगा। देखो बोले सुभाष इस तरह नहीं, बातों से मतलब सकता है, लोग यह कागज है, कौन यहां आकर हस्ताक्षर करता है, ऐसा हाथ ऊपर करके कोई भी बोलेगा कि हाँ मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं, मैं भारत की आजादी के लिए लड़ने को तैयार हूं।
को यहां पर आगे आना है, यहां पर मैंने कागज रखा है, यहां पर मैंने कागज और कलम रखा है, तो आपको एक एक को आगे आकर इस कागज पर आपका हस्ताक्षर करना है कि मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूं, मैं मेरे भारत देश के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हूं। देखो बोले इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है, लो यह कागज है, कौन यहां आकर हस्ताक्षर करता है। अब आगे देखो, सारी जनता हुंकार उठी। देखो उस सभा में जितने भी लोग थे, जितने भी युवक थे, वे सब के सब हुंकार उठे, यानी वे सब गर्जना करने लगे, ललकारने लगे। हाँ? देखो सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं, मतलब आपने जो वहां पर कागज और कलम जो रखा है, तो हम क्या करते हैं, वहां आकर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है, वहां आकर हम हस्ताक्षर करते हैं। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं, माता के चरणों में यह लोग हम अपना रक्त चढ़ाते हैं, हम अपनी भारत माता के चरणों में चरणों पर रक्त चढ़ाने के लिए तैयार है, हम आते हैं, हम हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं। आगे देखो क्या हुआ है, साहस से बड़े युवक उस दिन, साहस से बड़े, साहस यानी हिम्मत, साहस से बड़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही जाते थे, साहस से बड़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही जाते थे, चाकू छुरी कटारियों से अपना रक्त गिराते थे। देखो अब युवक आगे बढ़ने लगे हैं, किसके लिए, हस्ताक्षर के लिए, जिसके हाथ में जो भी मिल रहा है उससे वे क्या कर रहे हैं, अपना खून निकाल रहा है, चाकू से, कोई चाकू से खून निकाल रहा है, कोई छुरी से खून निकाल रहा है, कोई कटारियों से खून निकाल रहा है, और वो क्या कर रहा है, उसमें वो कलम डुबो रहा है, अपने खून को उन्होंने स्याही बनाई है, और उस स्याही से वे क्या कर रहे हैं, हस्ताक्षर कर रहे हैं, उस कलम को अपने खून की बनाई जो स्याही थी उस स्याही में कलम को डुबोया है, और उसके बाद क्या किया है, उस कागज पर हस्ताक्षर करने लगे हैं। देखो साहस से बड़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही जाते थे, चाकू छुरी कटारियों से अपना रक्त गिराते थे, फिर उसी रक्त की स्याही में, देखो उन्होंने रक्त को स्याही बनाया है, हम बना सकते हैं, नहीं, देखो उस वक्त लोग कितने शूरवीर थे, अपने भारत देश के प्रति कितना प्रेम उन लोगों के मन में था, वे किस प्रकार बलिदान देने को तैयार थे। देखो फिर उसी रक्त की स्याही में वे अपना कलम डुबोते थे, आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते थे। उस समय के लोग, वे लोग, वे युवक, उन्होंने क्या किया, अपना खून निकाला है, उस खून की स्याही बनाई है, कलम उसमें डुबोया है, और बाद में उन्होंने क्या किया है, हस्ताक्षर किया है, आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। आजादी का परवाना, कैसा परवाना, आजादी का परवाना, आज्ञा पत्र, ऑर्डर, आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, उस दिन आकाश में तारे भी देख रहे थे, कि हिंदुस्तानियों में, हिंदुस्तानियों के अंदर कितना विश्वास निर्माण हुआ है। वो विश्वास कौन देख रहा था, तारे देख रहे थे, आकाश में तारे भी देख रहे थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा था रणवीरों ने खुद से अपना इतिहास नया, रणवीरों ने अपना खुद का इतिहास लिखा था, किससे लिखा था, खुद से लिखा था, खून से लिखा था, किस प्रकार, हस्ताक्षर करके, उस कागज पर हस्ताक्षर करके उन्होंने अपना इतिहास लिखा था। कौन बता रहे हैं हमें, गोपाल प्रसन्न व्यास बता रहे हैं कि उस समय उन युवकों ने आगे बढ़कर अपना खून निकालकर कलम उसमें डुबोकर
उससे क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। वह इतिहास किसने देखा, किसने देखा था, तारो ने भी देखा था। किसने देखा था, तारो ने देखा था। उस दिन तारो ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा था रणवीरों ने, रणवीरों ने यानी जो लड़ने को तैयार थे योद्धाओं ने, किसने, योद्धाओं ने जो इतिहास किया लिखा था अपने खून से, वो किसने देखा था, तारो ने देखा था। उस दिन तारो ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा था रणवीरों ने खून से अपना इतिहास नया। तो यहां पर गोपाल प्रसाद व्यास जी ने सुभाष चंद्र बोस एक किस प्रकार के महान पुरुष थे, एक किस प्रकार के क्रांतिकारक थे, जिन्होंने अपने भारत देश को स्वतंत्रता दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, उनके बारे में यहां पर इस पते के माध्यम से हमें बताने का एक अच्छा प्रयास किया है। तो दोस्तों यहां पर ये जो हमारा पद्य है यह समाप्त हो चुका है। धन्यवाद।